मैन ऑन ऑफ द मैच बनने के बाद फुट कर रोने लगे। मोहम्मद शमी, कहा मेरी ट्रॉफी विराट को दे दो। 7 विकेट लेकर भी शमी ने ट्रॉफी लेने से कर दिया मना और कह दी ये बड़ी बात। दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच में मोहम्मद शमी ने जो धमाका मचाया है उसकी गूंज पूरी दुनिया भर में पहुंच चुकी है। मोहम्मद शमी ने अपनी धाकड़ गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को ऐसा लपेटा कि 2019 का जमकर बदला लिया। भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हरा दिया। जी हां दोस्तों, पिछला वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने ही भारत को सेमीफाइनल मैच में हराया था और अब मोहम्मद शमी की खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से भारत इस सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से बदला लेने में सफल रहा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मोहम्मद शमी ने बेहतरीन विकेट्स लेते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट चटकाए। हालांकि इस जीत के बाद जब शमी को मैन ऑन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया तो जो हुआ उसे देखकर सभी भारतीय फैंस भी हैरान थे। अवार्ड लेते हुए शमी कुछ ऐसे भावुक हुए कि अपना अवार्ड भी न संभाल पाए। मैन ऑन ऑफ द मैच मिलने के बाद शमी ने कहा, मैं अपनी जीत का पूरा श्रेय पूरी टीम को देना चाहता हूं और मुझसे ज्यादा इस ट्रॉफी के हकदार विराट भाई हैं जिन्होंने 100 रन बनाकर टीम को इतने बड़े स्कोर तक लेके गए। साथ ही सबसे बड़ी बात है, आज भाई ने 50 शतक भी पूरे किए हैं, इसलिए मैं उन्हें ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी समर्पित करता हूं। मेरी ओर से पूरी टीम को दिल से शुक्रिया, मैं कोशिश करूंगा आगे भी अपनी टीम के लिए ऐसे ही अच्छा खेल करता रहूं। दोस्तों, अगर आपको भी शमी की बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अभी एक लाइक कर दे। दोस्तों, आपको बता दे, वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने हर मैच में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है और कम से कम 3 से ऊपर विकेट चटकाए हैं और इसी के साथ मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन चुके हैं। भारत के जहां धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने शतक बनाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा, वहीं शमी ने अपनी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नहीं छोड़ा। इसी के साथ भारत फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 397 रन बनाए। इसके जवाब में कीवी टीम सभी विकेट खोकर 327 रन ही बना पाई। इसके साथ ही टीम इंडिया 12 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा और चौथी बार वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। भारत के लिए सबसे ज्यादा 117 रन विराट कोहली ने बनाए, वहीं श्रेयस अय्यर ने 69 रन की पारी खेली। शुभमन गिल ने नाबाद 80 रन का योगदान दिया। कप्तान रोहित ने 47 और लोकेश राहुल ने नाबाद 39 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी ने 3 और ट्रेंट बोल्ट ने 1 विकेट लिया। वहीं न्यूजीलैंड के लिए डेरिल मिचेल ने 134 रन बनाए। कप्तान केन विलियमसन ने 69 रन की पारी खेली। ग्लेन फिलिप्स ने 41 रन का योगदान दिया। दोनों कीवी ओपनर कॉनवे और रचिन 13 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटे। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला। इसी के साथ दोस्तों, सेमीफाइनल का दूसरा मैच कल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होना है। जो भी इस मैच को जीतेगी वह भारत के साथ रविवार 19 नवंबर को फाइनल्स खेलेगी। अब कल का मैच देखना बनता है कि कौन भारत को टक्कर देने के लिए रविवार मैदान पर उतरेगी। दोस्तों, अगर आप भी शमी के काम से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।